Hello to all the students. So today our topic is difference between atom and ion. Okay, so let's get started. Okay students, so as you all know, जैसे ही हम साइंस के टॉपिक पे साइंस के सब्जेक्ट पे आते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, दैट इज़ एटम. तो एटम की हम स्टार्टिंग से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, दैट इट इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ओके, इट इज़ द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते. अब एटम क्या होता है, तो अगर आप सब ने पीरियोडिक टेबल से आप सब अवेयर होंगे, तो पीरियोडिक टेबल के जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे क्या हैं, एटम्स हैं जिन्हें हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. तो इन एज वी गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सो एटम एक ऐसा एलिमेंट है दैट डू नॉट कंटेन एनी चार्ज. ओके, सो वी कैन राइट दैट डू नॉट कंटेन चार्ज. और एटम के ऑपोजिट में हमारे पास जो आयन है उसमें कोई ना कोई चार्ज होता है. होता ये भी एक एटम ही है, बट इसके ऊपर अगर कोई चार्ज आ जाए, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो वो क्या बन जाता है, वो आयन बन जाता है. ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट कंटेन चार्ज. ओके, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव. तो लेट्स सी द एग्जांपल. एटम में अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम इज़ व्हाट, सोडियम इज़ एन एटम. और सीएल, सीएल मींस क्लोराइड, क्लोराइड इज़ आल्सो एन एटम. बट इसी के अब मैं आयन पे आ जाऊँ, तो आयन पे एन ए के ऊपर अगर आ जाता है पॉजिटिव साइन, या फिर सीएल के ऊपर आ जाता है नेगेटिव साइन, तो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट एन एटम, नाउ इट इज़ एन आयन. ओके, तो आयन एक ऐसा एटम, ऐसा एलिमेंट है जिस पे कोई चार्ज होता है, और एटम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज़ न्यूट्रल, इट डू नॉट कंटेन एनी चार्ज. देन हम सेकेंड डिफरेंस पे जाते हैं. सो द सेकेंड डिफरेंस टेल अस के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोटॉन नंबर. ओके, मीन्स अगर हम न्यूट्रल पार्टिकल्स की बात करते हैं जैसे सोडियम और सीएल, तो आप इन दोनों में चेक कर सकेंगे दैट दे बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और इसी के ऑपोजिट अगर हम आयन की बात करें, सो दे डू नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये तो बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअल सी बात है कि अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ ही क्यों रहा है. ऑफकोर्स पॉजिटिव साइन जब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और नेगेटिव साइन उस वक्त आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. तो इस लॉस और गेन में ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन नंबर्स क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी माइनस हो जाते हैं तो कभी प्लस हो जाते हैं. तो इट्स एड और सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है. दैट इज व्हाई वी से इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन नंबर. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया दैट इट डू नॉट कंटेन एनी चार्ज, सो इट मींस द एटम्स आर व्हाट, दे आर न्यूट्रल. और इन लाइकवाइज आयन की बात करें, सो आयन इज चार्ज पार्टिकल. ओके, इट कंटेन आइदर पॉजिटिव चार्ज और आइदर नेगेटिव चार्ज. ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज दिस, कि एक बहुत बेसिक सी बात है कि अगर कोई एक एटम है दैट इज़ कंटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज और आइदर नेगेटिव चार्ज, तो उसको कौन से ऐसे एटम से जो अट्रैक्ट करेंगे. ऑफकोर्स पॉजिटिव को अट्रैक्शन करेंगे तो नेगेटिव ही करेंगे, ऑब्वियसली. ओके, तो क्या करेंगे, इनमें अट्रैक्शन पावर होती है. बट अगर कोई एक ऐसा एटम है लाइक दिस जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ना चार्ज होने की वजह से, नो चार्ज होने की वजह से इसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगी, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव. ओके, सो वी कैन से दैट द फोर्थ पॉइंट इज दिस, इट डू नॉट हैव अट्रैक्शन और इट डू नॉट attracted in the electric field, it has attraction towards opposite charges. Okay, and the fifth point is this, that the atom do not exist independently
डैंट आई शुड राइट हियर इंडिपेंडेंटली and the iron exists, it has the power to exist independently. Okay, I hope you all understand now.